तो देखिए बेटा, जो कल हम टॉपिक कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, ला ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, कल हमने स्टेटमेंट इसकी कर ली थी, बट स्टेटमेंट मैंने आपको समझाई नहीं थी, तो वो मैं आपको आज समझाती हूँ। देखिए ध्यान से, मान लो बेटा हमने तीन अलग अलग एलिमेंट लिए हैं, एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक आपका एलिमेंट है ऑक्सीजन। दीज आर थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बेटा मान लो मैं ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं इनसे कोई कॉमन कंपाउंड इनका बनाती हूँ, तो आपको पता है सी एंड एच का कॉमन कंपाउंड क्या होता है, सी एच फोर। एच एंड ओ से क्या बनता है, एच टू ओ, और सी एंड ओ से क्या बनता है, सीओ टू। दीज आर द मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स। कार्बन हाइड्रोजन से बन गया मिथेन सी एच फोर, एच एंड ओ से बन गया वॉटर एच टू ओ, सी एंड ओ से आपका बन गया सीओ टू। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा इसमें क्या होगा, अब ये कह रहा है जो मास रेशियो है दो एलिमेंट का, उसको आपको कंपेयर करना है किसी थर्ड कंपाउंड के मास रेशियो के साथ। मान लो बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया सी एच फोर रेशियो सीओ टू, मैंने सी एच फोर और सीओ टू का मास रेशियो है वो कंपेयर कर दिया, तो वो हमारा इक्वल मिलेगा एच टू ओ के, इसके इक्वल मिलेगा एच टू ओ के। अब कैसे वो आप देखिए बेटा, सी एच फोर है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, चार एच का फोर होगा। मैं सीओ टू में बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, दो ओ का 32 हो गया। तो यहाँ पे दोनों केस में कार्बन का मास तो क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो आप यहाँ पे एच और ओ का मास देखो, एच का हो गया 4, ओ का हो गया 32, 4:32 इज इक्वल्स टू। अब एच टू ओ का आप देखो, दो एच का 2 है, एक ओ का 16 है। ठीक है, तो 4:32 कितना हुआ, 1:8, और ये कितना हुआ, 1:8। सिंपल होल नंबर रेशियो में आया, आ रहा है ना बेटा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ला ऑफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ला ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आपने सेकंड केस में मान लो कंपेयर कर लिया सी एच फोर को और एच टू ओ को, सी एच फोर एंड एच टू ओ, तो अगर मैं इन दोनों का मास रेशियो कंपेयर करती हूँ तो भी वो सीओ टू के इक्वल मिलेगा, इसके इक्वल मिलेगा सीओ टू के, चाहे आप करके देख लो। पर बेटा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एच एटम कॉमन करने पड़ेंगे। एच एटम यहाँ पे 4 है, एच एटम इसमें बेटा 2 ही है, तो पहले आप यहाँ भी 4 कर लो, आगे इसके 2 लगा दो, हो गया। अब आप देखिए बेटा यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, और 4 एच का मिला के कितना हो गया 4, कितना हो गया बेटा 4। अब आगे देखो 2H2 है, तो टोटल 2H का मिला के, सॉरी 4H है, टोटल 2 जब 4 है ना, तो 4H का मिला के 4 हो गया, और 2O का मिला के 16 जा 32 हो गया, इज इक्वल्स टू कार्बन का 12 और 2O का 32। ठीक है, तो ये क्या आया बेटा, इसमें इसका मास तो कॉन्स्टेंट ही है, तो 12:32 आया, 4:3 = 12, 4:8 = 32, 3:8 आया, यहाँ भी क्या आएगा 3:8 आएगा। तो जो इन दोनों कंपाउंड का मास रेशियो आया है वो थर्ड कंपाउंड के मास रेशियो के इक्वल है, जो इन दोनों कंपाउंड का मास रेशियो आया वो तीसरे कंपाउंड के मास रेशियो के इक्वल है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन बच्चा है, इसने पर नाम नहीं लिखा, अभी नहीं एडमिट करती, इसके बाद चेंज करने दो, ये कर लेती हूँ एक बार, चलो। तो ये बन गया बेटा 3:8 और 3:8। अब ऐसे ही आप जो थर्ड कंपाउंड आपका बचा है उसको भी कंपेयर कर सकते हो, थर्ड कंपाउंड आपका यहाँ पे क्या बचा है बेटा,
CH4 और CO2 को कंपेयर कर लिया, CH4 और H2O को कंपेयर कर लिया, तो इस बार H2O को और CO2 को कंपेयर कर लेते हैं, H2O रेशियो CO2, और इन दोनों का मास रेशियो किससे कंपेयर कर देंगे, CH4 से। तो पहली बात तो आप ये देखो, जो दोनों ये आपके H2O और CO2 है, इसमें कॉमन आपका एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो अब आप इन दोनों में ऑक्सीजन एटम इक्वल करो, यहाँ तो ऑक्सीजन एटम 2 है और यहाँ 1 ही है, तो इसके आगे आप 2 लगा दो। अब आप इनका मास रेशियो निकालो, टोटल यहाँ 4H होगी तो 4 हो गए इसका मास रेशियो, 1O का 16 होता है तो 2O का 32 हो गया, C का 12 और 2O का 32, तो दोनों में ऑक्सीजन का मास तो कॉन्स्टेंट ही हो गया 32। तो अब आप देखो H और C का मास रेशियो क्या बचेगा, H का तो 4 है और C का क्या है 12 है। अब आप यहाँ भी देखो CH4 का मास रेशियो, कार्बन का 12, 4H का 4, तो 1:3, 3:1, 1:3 and 3:1। तो फिर से यहाँ पे क्या सेम आ रहा है आपका, मास रेशियो सेम आ रहा है, यही रिलेशनशिप आपकी एक्सप्लेन की गई थी बाय लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, क्या स्टेटमेंट थी इस लॉ की, कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनमें से दो कंपाउंड का मास रेशियो तो आपका सेम रहता है, और अगर उसको हम थर्ड से कंपेयर करते हैं तो वो आपके सेम मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वैसे बेटा आपके ये सब तो आने नहीं क्वेश्चन में, मुश्किल इस टॉपिक से निकल आएगा आपका, इसमें इम्पोर्टेंट तो एक ही था कल जो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है ओके, तो वो आप कर लेना बेटा। तो ये टॉपिक आया आपको समझ में, बोलो कर लोगे? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो कर लेते हैं। तो जो ये आपका गे लुकास ला है ना, इट वॉज गिवन बाय गे लुकास, They always do so in volume. They always do so in volume, which bear a simple ratio to one another. Which bear a simple ratio to one another. ठीक है? Add to the volume of the and to the volume of the product if it is done at constant temperature and pressure. इसका मीनिंग क्या है बेटा, जब गैसेस मॉलिक्यूल है वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा वॉल्यूम के टर्म में हम उसको कंसीडर करेंगे। They always do so in volume which bear a simple ratio to one another. और जो उनकी वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल मोलर रेशियो में मिलेगा, ठीक है, एंड ऑल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट मोलिक्यूल, दोनों मिला के आपका सिंपल मोलर रेशियो वहां पे कैरी करती है, ठीक है। एट द स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, और कॉन्स्टेंट ही यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रेशर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप समझे, बड़ा आसान सा ला है ये, तो गैसियस रिएक्शन हम यहाँ पे लेंगे,
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मान लो एन टू गैस प्लस 3 मोल ऑफ एच टू गैस, इससे बन गया 2 मोल ऑफ एन एच थ्री गैस. एन टू गैस प्लस 3 मोल ऑफ एच टू गैस, इससे बन गया 2 मोल ऑफ एन एच थ्री गैस. तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो देखते हो तो एन टू का 1 मोल है तो 1 मोल, एच टू के यहाँ पे 3 मोल है और अमोनिया के यहाँ पे 2 मोल है. एन टू का 1 मोल है, एच टू के 3 मोल है, अमोनिया के 2 मोल है, तो इसका मोलर रेशियो क्या हो गया, 1:3:2. सिंपल मोलर रेशियो हो गया, मोल के हिसाब से भी वॉल्यूम के हिसाब से भी. 1 मोल बोलो चाहे इसको 1 वॉल्यूम बोलो, ये 3 वॉल्यूम है और ये आपका 2 वॉल्यूम. ये 1 वॉल्यूम था, ये 3 वॉल्यूम है, ये आपका 2 वॉल्यूम है. तो सिंपल मोलर रेशियो क्या हो गया, 1:3:2 हो गया. अगला एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने ये लिया 2 मोल ऑफ एच टू गैस प्लस में ओ टू गैस, इससे बन गया 2 मोल ऑफ एच टू ओ गैस. तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम एच टू गैस की है, 1 वॉल्यूम ओ टू गैस का है और फिर से 2 वॉल्यूम किसका बन रहा है, एच टू ओ गैस का. तो जो आपका सिंपल मोलर रेशियो है टू द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट वो क्या आएगा, 2:1:2. वो क्या आएगा बेटा, 2:1:2 आएगा. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं गेल लुपाजी ला. बस इतना सा स्टेटमेंट है, ये टॉपिक है. आ गया होगा बेटा समझ में, बस ये स्टेटमेंट है गेल लुपाज ला की. वॉल्यूम की टर्म में ये गैसियस रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल को कंसीडर करता है और इसने ये कहा जो ये गैसियस रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल है दे ऑलवेज बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर. अब इसके बाद छोटा सा ला और है, एवोगैड्रो ला. एवोगैड्रो ला. अब बेटा एवोगैड्रो ला की क्या स्टेटमेंट है वो आप देखिए. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, मतलब कि जितने किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स है मॉलिक्यूल्स है उतनी ही उस गैस की वॉल्यूम भी होती है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो बेटा एग्जाम्पल समझो. अभी जो करवाया वैसे एग्जाम्पल है बेटा, एन टू गैस प्लस 3 मोल ऑफ एच टू गैस इक्वल टू 2 मोल ऑफ एन एच थ्री गैस. इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल्स हैं, इसके 2 मोल है. मोल की टर्म में लिखो, वॉल्यूम की टर्म में लिखो, बात एक ही है. इसकी 1 वॉल्यूम कर ली, इसका हो गया 3 वॉल्यूम, इसका हो गया 2 वॉल्यूम. तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल भी है. इसी ला को हम बोलते हैं एवोगैड्रो ला. ठीक है, अब इसके आगे इसका डेरिवेशन आप लोग देख ले. यहाँ का रखकर तो ये कर लिया होगा आपने. तो अब इसका डेरिवेशन आप देखो. इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल, तो वी प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, एन के. तो v इज इक्वल टू हो गया k इंटू एन. k आपको पता है यहाँ पे क्या आया, k इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, k इंटू एन हो गया. अब जो n होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. बेटा n होता है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू
n की जगह आ जाएगा गिवन नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी गिवन मास डिवाइड बाय मोल मास। तो n की जगह मैंने m by m रख लिया। अब आप ये कहो मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लूं, m को तो यहाँ ले जाऊं और v को यहाँ ले आऊं, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू k इंटू m बाई v, k इंटू m बाई v। तो ये आपका हो गया मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। और आप सभी को पता है मास बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के। मास बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, डेंसिटी के। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, k इंटू d, भाई मास बाय वॉल्यूम है डेंसिटी के इक्वल हो गया, तो m इज इक्वल टू आ गया k इंटू d। k तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ जो आपका m है वो प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, डेंसिटी ऑफ ए गैस के। मतलब जितना किसी गैस का मास ज्यादा होगा उतनी ही उस गैस की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इससे ये बात प्रूफ हो जाती है जो मास ऑफ ए गैस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस। सो सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है एवोगैड्रो लॉ का, कि जो मास ऑफ ए गैस है, मास ऑफ ए गैस इज directly proportional to the density of gas। जितनी किसी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही उस गैस का मास भी ज्यादा होता जाएगा। ये आपका सिग्निफिकेंस है एवोगैड्रो लॉ का। ठीक है, एक बेटा आपका ये टॉपिक है, कर लें इसको आप लोग। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का भी, यहीं तक का टॉपिक था आपका। अब उसके बाद बेटा देख लेते हैं कुछ हमारा बचता है तो। एक एटॉमिक नंबर वैलेंसी का टॉपिक भी था। सो अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, कि भाई कोई भी एलिमेंट है उसकी कितने और एटम के साथ जुड़ने की टेंडेंसी है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेटल्स है ना, मेटल्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। बेटा मेटल्स में सेम होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी और वैलेंसी भी, बट जो नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्लोरीन है, वैलेंसी क्या होती है क्लोरीन की, वन, ब्रोमीन की वन, फ्लोरीन है इसकी वन। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है थ्री, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है टू, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है वन, एच की वैलेंसी क्या होती है वन, फॉस्फोरस की वैलेंसी थ्री, सल्फर की वैलेंसी टू। ये सब आपको आता होगा, तुमने किया था नाइन्थ क्लास में ये सब फॉर्मूला वगैरह बनाना, वैलेंसी वगैरह निकालना, बेटा ये सब किया था क्या आपने पहले? Yes, तो बेटा बस अब यही टॉपिक है आपका, बुक से खुद ही कर लेना रीडिंग। इसमें आपको ये सब पढ़ना है व्हाट आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे H2 है N2 है ये होमो एटॉमिक है क्योंकि इसमें एक ही तरह के एटम है। लेकिन मान लो मैंने NH3 लिया, H2O लिया, CO2 लिया, ठीक है बेटा, इन सब में क्या है अलग अलग तरह के आपके एटम्स होंगे, तो इट मीन्स वो आपके हेटरो एटॉमिक होंगे। एक ही तरह के एटम है तो होमो एटॉमिक होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम है तो वो हेटरो एटॉमिक होगा। ओके ठीक है, तो ये सब खुद पढ़ लेना आप। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, तो जनरल टॉपिक्स हैं ये, आप सब लोग खुद करना।